घर बना रहे थे पर बहुत सारे आयरन और मिल गए तो हमने उस आयरन से ये देखो भाई इसमें भी अमीरी आ गई है इस बंदे में। और गाइस मुझे कमेंट करके इसका नाम बताना भाई एक बारी इसका नाम क्या रखे तो भाई ने इसका बड़ा सूट वूट बना दिया एमरल्ड के बूट भी बना दिए। तो गाइस मेरे को ये बहुत हंसी आती है जब ये चलता है तो भाई बहुत ज़्यादा कॉमेडी लगता है। आगे भी जब चलता है तो साइड में भी ऐसे ऐसे चलता है बहुत सा कॉमेडी लगता है पर कोई बात नहीं। तो अभी तो आज हमने घर को पूरा रिनोवेट करेंगे अंदर लाइट्स वाइट लगाएंगे और हमारा घर जो खुला है हमें उसके लिए भी एक सोल्यूशन चाहिए तो वो तो कोई नहीं वो तो हम बना लेंगे। अच्छा लो गाइस अभी सीधा चलते हैं अपने घर की तरफ। तो अपना जो घर है वो यहाँ पर भी नहीं है वो के उस साइड पर नीचे है पता नहीं मैं भी कोई कोई बार अपना घर भी तो भूल जाता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे गोल्ड ब्लॉक रखा है। तो आज हम सर्वाइवल में नहीं आज हम क्रिएटिव मोड में खेल रहे हैं जिससे कि मैं सारा सामान एकदम ईजिली अवेलेबल हो। तो पहले तो मैं यहाँ पर कॉन्क्रीट लगा देता हूँ मैं स्टोन्स बिल्कुल भी नहीं रखने वाला और ये लॉक यहाँ पर हमें लगाने के लिए चाहिए एक पिस्टन। तो आज हम थोड़ा सा मिथपैट बाय वाला आइडिया थोड़ा सा यूज़ करने वाले हैं तो हमने पिस्टन ले लिए और स्टोन एक ले लेते हैं फिर भाई पता नहीं है स्टोन नहीं आ रहा है इसमें बहुत सारी बार इस वाली गेम में थोड़ा सा कोई नेट का इश्यू होता है तो कोई कोई बार नहीं आता है। तो कोई बार नहीं अपनी चेस्ट में से निकाल देंगे और अपनी अभी जो हमारी यूज़ जो कर रहे हैं तो इन्वेंटरी में से अपने यूजिंग में डाल देंगे। मैंने स्टोन भी ले लिया है। ओ भाई साहब यहाँ पे भाई स्केलेटन था आपने देखा खतरनाक तरीके से खड़ा था यहाँ पे पिस्टन पर गाइस अभी बहुत रात हो चुकी है तो मैं पहले थोड़ा सा नींद ले लेता हूँ और फिर सुबह काम शुरू करेंगे। ओके तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो कि गाइस अभी सुबह हो चुकी है और गाइस अब ढूंढ रहे हो कि अपना घर कहाँ पे तो भाई मैंने पूरी सिस्टम पूरी बना दी है ये रहा अपना पूरा लीवर हमारा घर दरवाजा खुल गया अब मैं आप सभी लोग को अंदर से दिखा देता हूँ। अंदर भी एक ब्लू स्टोन और यहाँ पर एक लीवर अंदर से भी यार पूरा दरवाज़ा बंद हो चुका है तो गाइस बहुत तगड़ा लग रहा है भाई सोचा अपना भाई घर बाहर से मतलब पता भी नहीं चलेगा भाई अपना घर यहाँ पे और मेरा दूसरा जो लीवर है मतलब बाहर से लगा दिया है बाहर की तरफ जो किसी को पता ना चले। ओके तो गाइस ये फिर से पूरा बिगड़ गया था और मैंने आपको सभी लोग को पूरा कनेक्शन दिखा दिया कि पूरा पिस्टन से कैसे नीचे की तरफ पूरा पूरा कनेक्शन ज्वाइन कर दिया है और पूरी पिस्टन भी अभी पूरी काम कर रही थी मैं इसके उसके ऊपर पहले स्टोन्स लगा लूँगा पहले मैं अभी इसको कवर कर देता हूँ पूरा देख लेता हूँ भाई ये है कैसा। तो आप स्नैप करिए 3 2 1 स्नैप। ओके तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो कि गाइस अभी आप सभी लोग को पता भी नहीं चला ऐसे अपना घर है किधर तो गाइस ये मेरा अपना लीवर मैंने उसके ऊपर एक पेड़ लगा दिया जिससे कि किसी को पता ना चले और फाइनली एक लीवर यहाँ पर है अब मैंने इसको पूरी तरीके से अच्छे से रिपेयर कर दिया है। तो गाइस मुझे ही पता है कि गाइस वाले घर में वह जाले वाले बहुत है और लाइट भी बिल्कुल नहीं आ रही है तो अभी हमें पहले लाइट लगाने का काम करना होगा। पहले जाते हैं अपने इन्वेंटरी वाले बॉक्स में और सर्च करिए टॉर्च और भाई पता नहीं मैंने आप सभी लोग को पहले ही बोला कि भाई किसी कारण की वजह से इसमें कोई टूल्स नहीं आ पाते तो अभी इसमें टॉर्च नहीं आ पाती तो मैं पहले लैंप ले लेता हूँ। तो हम सर्च करेंगे लाइट अगर ना आए तो कहते हम सर्च करेंगे लाइट हमें मिल चुका है लैंप। ओके तो गाइस यहाँ पर नहीं लगाएंगे हम लैंप। ओके मुझे सीलिंग पर लगाना है तो हम सीलिंग पर लैंप लगाएंगे। ओके तो गाइस अब एक और बार स्नैप करिए और लाइट लग जाएगी 3 2 1 स्नैप। ओके गाइस तालियां बस 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 भाई बहुत तारीफ हो गई अब चलते हैं सीधा काम की बात पर। तो गाइस जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हो कि भाई लैंप्स लग चुके हैं और भाई पर आप सब लोग सोच रहे हो भाई तूने इतने बाहर से क्यों लगाए तो मेरे को भी बहुत बाहर से लग रहा है और ये वाले लैंप सही से लगे तो आप एक और बार स्नैप करो तो भाई पूरा का पूरा घर रिनोवेट हो जाएगा। तो गाइस 3 2 1 स्नैप। वो हो ओके तो मैं आप सभी लोग को व्यू दिखाता हूँ पता नहीं मैं आप सभी लोग को जमीन क्यों दिखा रहा हूँ गाइस जैसा कि आप सभी लोग देखा रहे हो कि गाइस अपना घर कितना तगड़ा लग रहा है मैंने यहाँ पे दो फोटो फ्रेम्स यहाँ पे सोफा यहाँ पे 3 चेस्ट एक वर्किंग बेंच यहाँ पे बेडरूम उसके ऊपर भी यार एक तगड़ा सा लैंप बना लिया है भाई साहब कितना तगड़ा लग रहा है अपना ये वाला लैंप देखो भाई आप ध्यान से सिर्फ मुझे पता है कि इसकी सारी की स्पीड सारे लैंप्स की स्पीड बहुत ऊपर है पर कोई नहीं चलता है ये तो माइनक्राफ्ट है इसमें तो कुछ भी हो सकता है कोई नहीं भाई ये देखो भाई कितना भाई मज़ेदार लग रहा है भाई साहब जी अपना घर और ये साइड का जो रूम है वो अलग से पर छोटा सा गेस्ट रूम जैसा है
वो ऐसे ही था, तो मैंने पूरा का पूरा इसको भी मतलब बना दिया, रिनोवेट कर दिया। और पर गाइस मैं अभी सीलिंग और मतलब सीलिंग का और मैंने फ्लोर का भी कुछ भाई मतलब मैंने उसका मतलब स्टोन ही रहने दिया और मैंने उसको बदला नहीं है उसके स्टोन्स के कलर, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे ये सारे सीलिंग्स को भी तोड़ के फिर से रिनोवेट करने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो कोई नहीं, इतना तो चलता है अपने घर में। और यहाँ पे हम दो फर्नेस लगा देते हैं, क्योंकि मैंने दो फर्नेस यहाँ से हटा दी थी जो कि यहाँ पर पड़ी थी, पर मैंने हटा दी थी। भाई अपना सोफ़ा भी कितना तगड़ा लग रहा है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, अभी पहले एक बार ही अपना घर खोल देते हैं और बाहर से जाके अपना घर को एक बार बंद करके लॉक करके देखते हैं कि भाई कैसा दिखता है। हमने घर को कर दिया लॉक। गाइस घर पूरी तरीके से बंद हो गया। सपोज कि अपन यहाँ पे कोई घूमने आया तो गाइस किसी को भनक तक नहीं लगेगी गाइस अपना घर यहाँ पे, और कोई अंडर वाटर आके भाई यहाँ पर चेक भी नहीं करेगा कि भाई यहाँ पर अपना लीवर है या नहीं। और मैंने यहाँ से पूरा ऊपर जाने का रास्ता बनाया है, यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से एक बार नीचे उतरेंगे और ये अपने घर में आ जाएंगे। मैं हर बार पता नहीं सही से क्यों नहीं चढ़ पाता। अब एक और बार अपने अंदर से अपना घर बंद कर देंगे एंड वेलकम टू माई हाउस कैसल पैलेस कुछ भी कह सकते हैं। अगर पता नहीं भाई मैंने आज तक इसको कभी सोते हुए नहीं देखा, और ये सो नहीं रहा, एक्चुअली ये बैठ रहा है जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हो। देखो गाइस ये सो नहीं रहा है, बैठ रहा है। कोई नहीं, ओके। तो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वाली गेम के ऊपर और गेम प्ले अमेजिंग गेम प्ले वीडियो बनाऊँ तो मेरे को कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Give me what I'm looking for.